हाँ? अरे विक्की, सोनू रुको, अरे रुको तो, तुम दोनों कहाँ गायब हो आजकल और क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आते? क्या बताऊँ यार चीकू, मम्मी ने मेरे लिए एक पर्सनल ट्यूशन टीचर हायर किया है, ढिमकाना सर। ढिमकाना? जब से उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया है ना, तब से मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, कसम क्रिकेट की। मैं भी ढिमकाना सर से ही पढ़ता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है यार वो, पन्ने पलटते पलटते हमारी जिंदगी ही पलट गई है। ऐसे ट्यूशन टीचर तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। हम चलते हैं, वरना ट्यूशन के लिए लेट हो जाएंगे। अरे पर कुछ देर तो रुको, सुनो तो। इंग्लिश में 40, साइंस में 40 और मैथ्स में भी 40, ये सब क्या है बंटी? कंसिस्टेंसी मम्मी, मैं हर सब्जेक्ट को उतनी ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, नो भेदभाव। बंद करो तुम्हारी ये बकवास। पढ़ लिख के नील आर्मस्ट्रांग मून पर चला गया और तुम अपने चमकीले जूते पहनकर सिर्फ मून वॉक करते रह गए। आपके सन को कौन सा मून पर जाना है मम्मी? यही हाल रहा तो मुझे दिन में तारे दिखेंगे। आग तो लग ही गई है चीकू, अब तुझे बस थोड़ा सा घी डालना है। मम्मी मैं ये सोच रहा था कि बंटी के लिए घर पर एक पर्सनल ट्यूशन टीचर बुला लेते हैं। अरे वो तो मैं भी कब से सोच रही हूँ, पर कोई ढंग का टीचर मिले तब ना। मुझे एक बहुत ही अच्छे टीचर के बारे में पता चला है, ढिमकाना सर, अपने विक्की सोनू उन्हीं से पढ़ते हैं। ए चीकू शेख, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? तुझसे किसी ने कुछ पूछा क्या? चुप कर बंटी। हाँ चीकू, तू क्या बता रहा था? पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे दोनों के दोनों, बिल्कुल बंटी की तरह, लेकिन अब तो क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में नाम है उनका। हाँ सच्ची? मुझे नहीं पढ़ना किसी फलाने ढिमकाने से। तुमसे किसी ने पूछा है? चीकू तुम आज ही बुला लो अपने फलाना सर को। अब बचेगी इस बंटी की घंटी, इस चीकू का चीकू मिल्कशेक बनाना ही पड़ेगा। होशियार बन गए हैं। सर मैं तो बोल बोल कर थक गई, लेकिन पढ़ने का नाम ही नहीं लेता ये लड़का। आप टेंशन ना लीजिए मिसेस बत्रा, ढिमकाना सर से पढ़ के कई फलाने ढिमकाने शूटिंग स्टार से होशियार बन गए हैं। बंटी को तो मैं यूं दो दिनों में सेट कर दूंगा। मम्मी आप जाओ ना मार्केट, बंटी को संभालने के लिए ढिमकाना सर है ना घर पे। हाँ हाँ मैं निकलती हूँ। चलो बंटी मैथ से शुरू करते हैं, बताओ 13 × 5 क्या होगा? बेबी सर वो याद नहीं आ रहा। अच्छा तो बताओ 14 × 6 क्या होगा? सर याद था पर भूल गया। डर गए क्या? ना ना नहीं 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 नहीं। आप बहुत स्वीट है ढिमकाना सर। क्या मतलब? सर बंटी को फलाने ढिमकाने टेबल्स नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने उसे डांटा नहीं। हमारे स्कूल का कोई टीचर होता तो अब तक इसे मुर्गा बना देता। ये लोग तो मुझे हल्के में ले रहे हैं। मेरे टेस्ट में तुमने अंडा स्कोर किया है बंटी, चलो जल्दी से मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बनते ही तुम्हें फलाना ढिमकाना सब याद आ जाएगा। मुर्गा? मुर्गा बनने को कहा है, नागिन डांस करने नहीं, जल्दी से मुर्गा बन के दिखाओ। मुझे तो यही आता है सर, कोई अगर मुर्गा बनकर दिखाए तो मुझे पता चले ना। मुर्गा तक नहीं बनना आता, ये देख ऐसे बनते हैं मुर्गा, चल
अब तू भी मुर्गा बन के दिखा। ये देखिए सर, ये क्या हो गया? मुर्गा बनने के चक्कर में मैं ऑक्टोपस बन गया। मम्मी मम्मी मुझे बचाओ। ये तो बिजली की तारों की तरह उलझ गया है। इसे थोड़ी देर और ऐसे छोड़ दिया तो कहीं ये करंट ना मारने लगे। शांत हो जाओ बंटी, शांत हो जाओ, मैं खोलता हूँ तुम्हें। हाँ एक मिनट। मुर्गा इस बंटी को बनाया और तोते मेरे उड़ गए। बंटी तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, हम अब मैथ्स नहीं साइंस पढ़ेंगे। ढिमकाना सर से पढ़ के कई फलाने ढिमकाने शूटिंग स्टार से होशियार बन गए। लेकिन सर मेरी साइंस की बुक तो ऊपर लॉफ्ट में रखी हुई है। बुक्स को लॉफ्ट में नहीं बैग में रखा जाता है, यू अंडरस्टैंड? यस सर, पर इस बार आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरी हाइट अभी बड़ी नहीं है ना। अब ये बुक निकालने के फलाने ढिमकाने काम भी मुझे ही करने होंगे। अरे सर वो सीढ़ी वही आगे रखी हुई है। ये सब क्या लगा रखा है? ढिमकाना सर लॉफ्ट से मेरी साइंस बुक निकाल रहे हैं। तुझे क्या? ये बंटी नाटक कर रहा है, आप इसकी बातों में मत आइए। सर वहाँ कोई बुक बुक नहीं रखी है? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा सर, साइंस तो वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये बहुत बड़ा झूठा है सर, इसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, और साइंस में तो बड़ी मुश्किल से इसके 47 मार्क्स आए हैं। 47 नहीं 74 मार्क्स आए थे सर। अब ये चीकू पूरा दिन शीशे के सामने बैठा रहेगा तो 74 भी 47 ही दिखेगा ना इसे। सर आप तो ऊपर चढ़िए। हाँ हाँ ठीक है। बंटी के प्लान को फेल करने का एक ही तरीका है। अरे संभाल के सर, मम्मी कह रही थी कल वहाँ पर चूहा गया था। क्या चूहा? अच्छा तो बताओ व्हाट इज फोकस पॉइंट? हिंदी। ये तुम क्या कह रहे हो? यही सर कि हमें साइंस के बजाय हिंदी पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको बताना भूल गया, साइंस से पहले मेरा हिंदी का एग्जाम है। हाँ ठीक है, हम अब साइंस नहीं हिंदी पढ़ेंगे। हाँ ढिमकाना सर से पढ़ के कई फलाने ढिम के शूटिंग स्टार्स बन गए हैं। ये ढिमकाना सर पर तो मेरी फलाने ढिमकाने सारी ट्रिक्स फेल हो रही हैं। ऐसा क्या करूं जो ये यहाँ से भाग जाए? आइडिया। वो शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाश होगा तेरा अगर एक बार और जिद की तो। बंटी तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे सर वो मैं अपने टेडी बियर से बातें कर रहा था, कल से जिद पकड़ कर बैठा है कि चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। अब आप ही बताइए सर, रोज रोज चॉकलेट खाएगा तो इसके दांत नहीं खराब हो जाएंगे? बंटी हिंदी पर ध्यान दो। ओके सर। तो बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? बंटी क्या हुआ, किस बात पे इतना जोर जोर से हंस रहे हो? सर वो जो लाफिंग बुड्ढा है ना, उसने इतना स्टूपिड जोक मारा है, आप सुनेंगे तो आपको भी हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। ये लड़का मेरी रीच में नहीं है, और जब तक ये मेरी रीच में नहीं आएगा मैं इसे टीच नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं सर, अभी तो क्लास भी खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। लेकिन आप ही ने तो कहा था ढिमकाना सर से पढ़ के कई फलाने ढिमकाने शूटिंग स्टार से होशियार बन गए। फलाने ढिमकाने हुए होंगे लेकिन तुम्हारा भाई नहीं, वो कभी टेडी बेयर से बातें करता है तो कभी लाफिंग बुद्धा से। मैं उसे नहीं पढ़ा सकता।
सर, ये सब उसका नाटक है। अगर आप मेरे भाई को नहीं पढ़ाएंगे तो बेचारा फेल हो जाएगा। अरे उसे पढ़ाया तो मेरे दिमाग का ब्रेक फेल हो जाएगा। मुझे बस यहाँ से निकलना है। इससे पहले ढिमकाना सर इस चीकू के चक्कर में फंसे, मैं ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और सर आप वापस क्यों जा रहे हैं? मैंने ढिमकाना सर को रोकने की बहुत कोशिश की मम्मी, लेकिन लगता है ये मुझे पढ़ाने ही नहीं चाहते हैं। आपके बेटे को कोई फलाना ढिमकाना नहीं पढ़ा सकता, इसे सिर्फ आप ही पढ़ा सकती है। मैं चला। मम्मी, इस बंटी ने ही उन्हें भगाया है। नहीं नहीं मम्मी, बहुत अजीब से सर थे मम्मी, पता नहीं बेचारे विक्की सोनू ने इन्हें कैसे झेलते होंगे। वैसे ही जैसे हम तुझे झेलते हैं बंटी के बच्चे। इस बंटी को सिखाने का मेगा चैलेंज इस मेगा को ही उठाना पड़ेगा। ¿Qué están haciendo? Pondré las herramientas allá. Abre la boca. Un poco más. Ábrela más. Más, más. Ya no puedo abrir más la boca. Es todo lo que puedo. Muy bien. Extraeré tu diente. ¿No me va a preguntar antes cuál es el diente que me duele? Él es un buen dentista. Con tan solo ver tu boca ya sabe qué diente es. O muéstrale tú, por favor. Bien, ahora cierra tus ojos y relájate. No sentirás nada cuando te extraiga el diente, ¿sí? Perfecto. Confío en ustedes.